तो अभी बहुत ही जल्द ओप्पो की तरफ से एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम होगा ओप्पो A15। तो इस फोन का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर हमें सबसे पहले Amazon में देखने को मिला था। जी हाँ, तो ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और वो भी एकदम न्यू डिजाइन के साथ। तो इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आपको इस बार पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और वो भी स्क्वायरी कटआउट के अंदर। और यहाँ पर आपको इस बार पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस चीज के वजह से हमें लगता है कि आपको इस फोन में IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और वो भी 6.4 इंच का। तो ये जो स्मार्टफोन है एक मिड रेंज सेक्शन का स्मार्टफोन होने वाला है और आप सभी को पता होगा कि ओप्पो F17 और F17 Pro हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो उन सभी सीरीज का ये एक लाइटर वेरिएंट होने वाला है ओप्पो A15 के नाम से। और इस फोन के अंदर आपको इस बार एक MediaTek का ही कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ओप्पो के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में आपको MediaTek का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जैसे MediaTek Helio P70, P75 जैसा है, वैसा ही प्रोसेसर इस बार आपको ओप्पो A15 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। शायद MediaTek का P सीरीज का या फिर G सीरीज का प्रोसेसर हो सकता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको 4GB रैम, 6GB रैम या फिर 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और कैमरे के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मेन कैमरा लेंस 48 या फिर 13 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिल सकता है और सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और थर्ड में आपको 5 या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और वो भी सिंगल कैमरे के साथ। तो इसका जो बैक डिजाइन है मैच करता है ओप्पो F17 के साथ, यानी कि ओप्पो F17 में आपको जैसे पीछे में प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको स्क्वायरी कटआउट कैमरे के लिए देखने को मिल जाता है, ठीक उसी तरह से इस बार भी ओप्पो F15 के अंदर आपको वही सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और बैटरी के बारे में बात करें तो इस बार ओप्पो F15 के अंदर आपको 4230 mAh का बैटरी मिलेगा, साथ में 10 वाट का चार्जर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो शायद यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल सकता है, मे बी इसके अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको शायद 10 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। और इस फोन के अंदर आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको Android 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें आपको इस बार ओप्पो A15 के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो रिसेंटली ये Amazon में लिस्ट होते हुए दिखा है, सो हमें जहां तक लगता है कि ये फोन आपको बहुत ही जल्द इसी साल देखने को मिल जाएगा, मे बी शायद अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो जैसे ओप्पो F17 के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है और साथ में वो स्मार्टफोन आपको 18,000 के आसपास देखने को मिलता है, सो इसलिए हमें लगता है कि ओप्पो A15 का प्राइस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, यानी कि 13,000 से 15,000 के आसपास इस स्मार्टफोन का प्राइस हो सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।